Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टेक्नो साहिल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WhatsApp के होम स्क्रीन वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से यूज करना है और सारा स्टेप हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो पर पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपने ओरिजिनल WhatsApp पर ले जाता हूँ। ओरिजिनल WhatsApp पर लेने के बाद मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मेरा ये ओरिजिनल व्हाट्सअप है और यहाँ से मुझे अपना चैटअप बैकअप करना है। मुझे सारा चैटअप चाहिए, मुझे दूसरी व्हाट्सअप है। तो सिंपली से दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली से इस तरीके से बैकअप कर सकते हैं चैटअप को। क्या करना होगा आपको, सिंपली ऊपर दी थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर दिखाया जा रहा है चैट बैकअप हिस्टोरी वॉलपेपर। सिंपली से क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं नीचे बैकअप चैट। इस बैकअप चैट पर आप क्लिक कर और अपना चैट को यहां से देख सकते हैं, जैसे बैकअप है ग्रीन में लिखा हुआ, तो बैकअप कर लेंगे। बैकअप करने के बाद दोस्तों, जैसे कि मेरा बैकअप हो रहा है दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि मेरा व्हाट्सअप बैकअप हो रहा है। दोस्तों, मेरा बैकअप होने शुरू हो गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बैकअप हो चुका है मेरा। और यहां पर मैं सिंपली से मैं बैक चलाता हूं। बैक आने के बाद दोस्तों, मैं बताता हूं कि इसमें से आप व्हाट्सअप होम स्क्रीन वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस द्वारा आप कहीं से भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी आप सर्च मार लें, चाहे पर कहीं पर आप खोज लीजिए, इसके द्वारा आप होम स्क्रीन वॉलपेपर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कैसे व्हाट्सअप का होम स्क्रीन वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि व्हाट्सअप है, इस व्हाट्सअप को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद, जैसे दोस्तों मैं अभी डिलीट करता हूँ, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैं अपना व्हाट्सअप डिलीट कर दिया हूं। यहां पर मेरा व्हाट्सअप था और मैं आपको ले चलता हूं उस व्हाट्सअप में जिसमें आप होम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको व्हाट्सअप के बारे में बता देते हैं। जिस व्हाट्सअप से आपने वॉलपेपर चेंज करना है होम स्क्रीन वॉलपेपर, तो सिंपली सर दोस्तों, मैं स्क्रॉल करूंगा इधर की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, मेरे सामने व्हाट्सअप ये रहा। व्हाट्सअप का नाम है यो व्हाट्सअप और इस व्हाट्सअप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इस व्हाट्सअप को। तो चलिए दोस्तों, इस व्हाट्सअप को मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये व्हाट्सअप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। मेरे लिंक द्वारा ही इंस्टॉल कर लीजिए इस व्हाट्सअप को, आपको आसानी पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसी व्हाट्सअप द्वारा। तो सिंपली दोस्तों, चलिए मैं इस व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं बताया जा रहा है अलाउ करने के लिए, अलाउ कर दूँगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जा रही है, स्टोर एग्री एंड कंटिन्यू। तो आपको सिंपली से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, मुझे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। तो दोस्तों, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी व्हाट्सअप डाटा, तो सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए व्हाट्सअप डाटा पर और ये आपको बताया जा रहा है कि आपका डाटा कॉपी हो चुका है इस व्हाट्सअप में। सिंपली दोस्तों, क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कनेक्शन हो रहे थे, रुक जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, बताया जा रहा है कि वेरीफाई नंबर आएगा आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर पर, आपको वेरीफाई कर देना है। तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू के बाद अलाउ कर देते हैं। अलाउ के बाद दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी आएगा मेरे पास, जैसे 6 डिजिट का, और ये ओटीपी ऑटो वेरीफाई हो जाता है। जैसे देख सकते हैं, ये वेरीफाई हो चुका है, यानी कि हो रहा है वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद हम इसे ले चलते हैं अपने होम स्क्रीन वॉलपेपर में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सिंपली से कंटिन्यू कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर वो ऑप्शन दिया जा रहा है स्किप या री स्टोर। तो इसके दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आप अपने पहले वाले व्हाट्सअप से चैट को बैकअप कर सकते हैं। तो सिंपली से बैकअप करने के बाद आपको यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा री स्टोर का। री स्टोर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये सब चैट मेरा कॉपी हो रहा है। कॉपी होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, ये मेरा कॉपी हो चुका है, तो सिंपली से मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना नाम सेलेक्ट किया, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं इस व्हाट्सअप में लॉगिन कर लिया हूं और जो मैंने चैट को रीस्टोर किया है तो मेरा सारा चैट वैसा ही है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, मेरा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, देख सकते हैं सारा कुछ मेरा वापस आ गया है इस व्हाट्सअप में। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ होम स्क्रीन वॉलपेपर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस व्हाट्सअप में। तो दोस्तों, वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपली से दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यो मोड्स, यो मोड्स पर क्लिक करने के बाद
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिया जाता है और इसमें से कैसे होम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली से आपको क्या करना है, यूनिवर्सल पर आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सल पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं। आपको इसमें से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कलर वाला ऑप्शन है, कलर वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर या फोटो। तो अगर आप कलर को चूज़ करें तो कलर चूज़ कर लीजिए, चाहे कुछ भी करना है कुछ भी कर लीजिए। अगर आप फोटो चूज़ करना चाहें तो निकली फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है गैलरी, फाइल मैनेजर और गूगल फोटो, कहीं से भी अपना फोटो लेकर और इसमें एड कर सकते हैं होम स्क्रीन वॉलपेपर पर। तो चलिए दोस्तों मैं अपने गैलरी से चूज़ करता हूँ। गैलरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का देख सकते हैं कि मेरा सारा फोटो यहीं पर है, तो मैं कोई भी एक फोटो को चूज़ कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि दोस्तों मैं एक वाला फोटो चूज़ कर लिया, ये लोडिंग हो रहा है वॉलपेपर। लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है सेट, तो मैं सिंपली सा सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है और वॉलपेपर मेरा सेट हो चुका है। तो चलिए मैं बैक आकर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वॉलपेपर सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यकीन दिलाने के लिए। तो दोस्तों सिंपली मैं बैक वाले बटन पर क्लिक करूँगा, एक बार और क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे सामने देख सकते कुछ इस तरह का इंटरफेस है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपना जो सा फोटो चूज़ किया तो वो फोटो आ चुका है और मेरा होम स्क्रीन वॉलपेपर भी ऐड हो गया है इस एप्लीकेशन द्वारा। तो दोस्तों एप्लीकेशन मुझे बहुत ही कमाल का लगा है और एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार का है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप होम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। इसका ओरिजिनल व्हाट्सएप द्वारा से भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आप जैसे कि आप चैट स्क्रीन वॉलपेपर ही चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप होम स्क्रीन वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जहाँ जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।